क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है। कहीं भारी बारिश की मार है तो कहीं लोग उमस और गर्मी से परेशान हैं। चलिए आपको बताते हैं देश में कहां कैसा है मौसम का हाल। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से बादलों की आवाजाही तो कभी तेज धूप निकल रही है, जिसके चलते लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हो गए हैं। घर के अंदर हो या बाहर, कहीं राहत नहीं मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने की भविष्यवाणी की है। यूपी में बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत समेत कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। अगले एक हफ्ते में प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और तापमान में भी गिरावट आएगी। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। 21 जुलाई को भी कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिसने नदी नाले तालाब सभी को उफान पर कर दिया है। सबसे ज्यादा बारिश नर्मदापुरम के पिपरिया में हुई है। यहाँ 9.4 इंच रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से सतपुड़ा डैम के 14 में से 11 गेट खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग ने रायसेन, श्योरपुर, सीहोर, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, बालाघाट, मंडला से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और भी कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके चलते कई बांधों के गेट खोल दिए गए हैं और नदियों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बारिश की संभावना को देखते हुए कुछ जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। रायगढ़, चंद्रपुर, भंडारा, नागपुर और गढ़चिरौली के स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा कोल्हापुर जिले में भी स्कूल न खोलने के निर्देश दिए गए हैं। मुंबई की सड़कें भी जलमग्न है। राजस्थान वेदर अपडेट की भी बात कर लेते हैं। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से बारिश पर ब्रेक लग गया है, लेकिन अभी भी मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं गुजरात के मौसम की बात करें तो गुजरात के कई इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली में गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, इस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के दो जिलों उधम सिंह नगर और चमोली में पानी का जल स्तर काफी बढ़ गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं। ऐसे में जनपद के अलग अलग इलाकों में जल भराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो वहीं बारिश और लैंडस्लाइड और जल भराव की वजह से सड़कें भी बंद हो रही हैं। इनमें राजमार्ग और राष्ट्रीय मार्ग दोनों ही शामिल है। फिलहाल आज के वेदर रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।